अपना जागरूकता शिविर और लो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ की प्रोसीडिंग्स को आप जाने, कानून को आप जाने और किसी को कोई समस्या है तो यहाँ बैठ कर बात करें। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में न्यायिक अधिकारी महोदय सुधीर जी चौहान साहब पधारे हैं। हम उन सबका हमारी पूरी टीम की ओर से साहब का स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में प्रशिक्षु आरजीएस के रूप में जो सुधीर जी के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं सुभाष सिंह जी राजा, आयुषी माली। हेलो आयुषी माली, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए। साथ में अपेक्षा शेलावत अगर हैं तो वो भी आए, गुनगुनाएं एक साथ ही सब लोग आएंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा, ये उठा दे तेरी रचना कहीं अनंत होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतने करूँगा आयुषी माली और अपेक्षा चला ऊपर ना जाओ ले ऊपर ना, एक आपको एक आप चौहान साहब के स्वागत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुरेश लोहवा और रोहित सिंह ग्रवाल अगर मौजूद है तो प्लीज जल्दी से आए, ऊपर ना और माला पहनाकर अभिवादन करें। चरण साहब का स्वागत और उपरना उड़ाकर अभिनंदन करें। आयुषी और अपेक्षा से फिर अनुरोध है कि डॉक्टर आचार्य का भी माला पहनाकर और उपरना उड़ाकर अभिवादन करें। सुरेश और रोहित से रिक्वेस्ट है कि डीन साहब का भी माला पहनाकर अभिवादन करें। ये हमारे स्वागत की रस्म हो। अध्यापक के लिए तो हमेशा विद्यार्थी विद्यार्थी रहता है, उन मर्यादाओं और उन कंठपथों पर चलना बहुत मुश्किल काम है। समाज पूरे बच्चों ने पूरे गांव का सर्वे किया और कुछ समस्याएं ग्रामीणों के साथ शेयर करके और निकाली है, पधारे हुए सारे ग्रामीण भी यहाँ विराजमान हैं। और मुख्य रूप से मैं आभार व्यक्त करूँगा आदरणीय अरुण सिंह जी साहब सोलंकी, कभी भी उन्होंने अपने मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दी। एक आम आदमी जितना काम कर सकता है उससे 10 गुना काम आपने किया है। इस आश्रम में 40 गायों की देख रेख करना और गिर गाय, और मेरे को एक बात जरूर कही साहब, आप जो भी आयोजन करो हर्बल तरीके से होना चाहिए। इच्छा थी अरुण सिंह जी की और ग्रामीण इससे ज़्यादा यहाँ उपस्थित थे, पर सबको अपने अपने काम पे जाना था और टाइम थोड़ा आपकी भी मजबूरी थी, 1 बजे 1:30 बजे का था, तो मैंने कहा ठीक है जो भी है। और ये मेरे जो बच्चे हैं लॉ करने वाले सर, बस आप इनको इतना सा बता दें कि विधि का अध्ययन कैसे करें। और विशेषकर चौहान साहब से मैं निवेदन करूंगा, बार बेंच रिलेशन एक सब्जेक्ट है हम बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर में प्रोफेशनल इथिक्स, उसका ध्यान इन बच्चों को हो जाए। मैंने पावे साहब से भी बात की, पर आप यहाँ आओ पावे साहब ने कहा आपको बोले ना, मैंने कहा क्या लिखते हो आप कैसे लिखे हो, कहा पावे साहब ने कहा कि मैं 90% सिलेबस को कवर करते हुए 20 प्रश्न बना देता हूँ, तो जैन साहब 10 प्रश्न में तो कोई 90% हिस्सा आएगा नहीं, इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहो। मैंने कह रहा हूँ हमेशा बाबेल ला सीरीज पढ़ो, जहाँ कहीं समस्या आ जाए तो उसको भी देख लिया करो, बाकी बुक्स और टेक्स्ट बुक्स
इंटरफ्रेंस रूल्स बहुत अच्छा अगर है इसमें, तो आप जितना डूबोगे उतना आगे बढ़ते ही जाओगे, बस आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी कि आगे से आगे मुझे बस जानना है, क्योंकि इसमें तो आप जब तक हैं तब तक आपको सीखने का ही काम है, क्योंकि आगे से आगे इतने कानून आते जाते हैं, इतने लॉ डेवलप हो रहे हैं, इतनी रूलिंग्स आती हैं, तो हमारा भी ये होना चाहिए कि हमें अपडेट रहना चाहिए हर चीज़ से। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं, बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि RJS, क्योंकि बेसिक फ्यूचर आपका यही है कि हमें लॉ करना है, तो मोस्ट ऑफ का यही एक ड्रीम होता है कि हमें RJS क्रैक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि अगर नींव मजबूत होती है तो मंजिल बहुत आसान हो जाती है अचीव करना। तो रेगुलर रहें, डिसिप्लिन रहें, जैसा आपके टीचर्स आपको बोले उन चीज़ों को फॉलो करें। और बैरेट सबसे जो एक बेसिक नीम है RJS के लिए, बैरेट पे आपकी कमांड होनी चाहिए और आपके लॉ के जो पॉइंट्स हैं वो कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। टेक्स्ट में है, दूसरा थोड़ी कमेंट्री जो मेजर एक्ट की है वो आप देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा बुक वगैरह कंसल्ट करनी चाहिए। और डिसिप्लिन जितना आप फॉलो करेंगे उतना ही आपके लिए ये टारगेट। और 18 साल मैंने अपनी पहली क्लास ली थी, 10 साल तक मैंने पढ़ाया और पढ़ा फिजिक्स जो साइंस का सब्जेक्ट होता है कंटिन्यूसली, उसको 10 साल तक पढ़ाया। उसके बाद में पढ़ाते पढ़ाते लाइन चेंज हो जाती है, इंसान एक बार 10 दिन के लिए बीमार होता है और स्टूडेंट्स का पीछे से कॉल आता है कि सर का क्लास कब है, क्लास कब है, मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं थी उसमें। इस फील्ड में आने के लिए जॉब सिक्योरिटी, और वहाँ प्राइवेट में जो इंसान 10 साल तक टिक जाता है उसको इंडिपेंडेंस ज़रूरी चाहिए। सबसे पहली चीज़ गांव से बिलोंग करता हूँ, शादी जल्दी हो जाती है, पीछे फैमिली दिखती है, फैमिली नहीं दिखे तो भी हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि एक लाइबिलिटी पीछे है। अब उस कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप जो प्राइवेट में उसी तरफ बढ़ते रहें, और या तो सबसे पहले सबसे पूछा क्या करना चाहिए, सब अलग अलग सलाह देते हैं। कोई कहता है कि क्लर्कशिप की आ रही है वैकेंसी, वो फॉर्म भर के लटक जाओ, उधर सबके साथ होता होगा। जो जनरली लॉ आप सभी जानते होंगे और यहाँ पिता तुल्य पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो मैं जनरल वो बात करूँगा जिनसे शायद आप ही किसी के लिए गाइडेंस बन सके। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है मिडिल क्लास फैमिली की स्टार्ट होती है नीचे से, पियोन की वैकेंसी है पियोन में फॉर्म लगाओ, क्लर्क में आओ क्लर्क में लगाओ, मतलब नीचे से स्टार्ट होते हैं हम लोग। ये नहीं कि सबसे पहले ऊपर देखना है वहीं से स्टार्ट करके जो मिल जाए जहाँ अटक जाए वो ठीक है। अब वहाँ ये लग रहा है कि क्लर्कशिप के लिए भी उतना ही पढ़ना है, इसके लिए भी उतना ही पढ़ना है कि नहीं 45 सब्जेक्ट है, अभी काफ़ी हद तक कम हो गया सब्जेक्ट, 45 सब्जेक्ट है इसमें तो RJS तो भूल ही जाओ, अभी 3 साल लॉ करोगे 3 साल तक क्या होगा। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप लिया कि फ्रेंड को बोला कि मेरे को लॉ करनी है, तो उसने कहा फॉर्म भर देता हूँ मैं, जैसा कि बताया कि बाबेल से सभी बाबेल ही पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, कि पढ़ना क्या है कि एग्जाम से 10 दिन पहले बाबेल की सीरीज पकड़ो और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। अब चूँकि 12 घंटे की टीचिंग रहती थी तो बाबेल भी पूरी पढ़ नहीं पाते थे, तो उसमें फिर जुआ खेलना, उसमें देखना कि 20 क्वेश्चन है उसमें से लास्ट ईयर कौन कौन से आ गए, सभी करते हैं आप लोग सभी यही करते हैं कि लास्ट ईयर कौन से आ गए उनको आउट करो पहले, फिर देखो रिपीट कौन सा हो रहा है बार बार, तो रिपीट वाले पे जुआ ज़्यादा खेलते थे कि वापस रिपीट हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में पढ़े परसेंटेज बने 56% थ्रू आउट फर्स्ट ईयर रहे, सबसे पहले शर्मिंदगी महसूस हुई या तो करना छोड़ दो या पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बाबेल पढ़ना छोड़ दीजिए कोई भी, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद में एक ने पूछा कि फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट क्या क्या थे, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह पूछा, कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन पूछ लिया, अब आंसर में कुछ आता नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या ये भी पता नहीं था, फिर कहा नहीं बुक से पढ़ेंगे अब दोबारा वापस। पिताजी टीचर थे उन्होंने कभी भी पासबुक नहीं दिलवाई कि किताब से ही पढ़ना है, किताब से पढ़ने की आदत थी, अब वहाँ से सफर स्टार्ट किया, सबसे पहले किताब मांग के लानी स्टार्ट की, क्यों खरीद के लाता था इंसान, मेरा ये मानना है पढ़ नहीं पाता, मांग के 10 मिनट पहुँचा नहीं होती तो फटाफट पढ़ लिया उसने। तो इवनिंग में 8 बजे के बाद आने के बाद में जो घरेलू जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद में 9:30 से 11 बजे नियमित अध्ययन किया मैंने, सेकंड ईयर में बात बता रहा हूँ आपको, सेकंड वो पढ़ने के बाद में ज्यूरिसप्रूडेंस, आप में से काफ़ी सेकंड ईयर में होंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो उसमें फिर ये तय किया कि RJS के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं अब पता लगा जाकर, लेकिन उस समय तक समझ नहीं थी, फिर गाइडेंस मिलता है कहीं से कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। और सेकंड ईयर तक 45 एक्ट्स जो थे वो कंप्लीट पढ़ लिए एक करके 2 घंटे की स्टडी के साथ में। अब फाइनल ईयर में वापस पढ़ना, सिर्फ जो लॉ के लिए स्टूडेंट आते थे उनको पढ़ाना स्टार्ट किया 1 साल के लिए, किसी से रिक्वेस्ट की, फाइनल ईयर में पढ़ाया, लगभग पढ़ाते पढ़ाते ये एहसास हो गया कि अब RJS का अपना एग्जाम हो सकता है, 35 वैकेंसीज आई। अब यहाँ आते हैं आपके जो जिंदगी में कैटलिस्ट होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था कि यार 35 है छोड़ अपना तो होगा नहीं, अभी फर्स्ट ईयर में आया तो अगले साल ट्राई करना, मतलब वो वहाँ से आपको डिमोटिवेट डिमोरलाइज करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं होगा,
क्यों 35 वैकेंसी है, 35 में आपका 45 सब्जेक्ट है होना मुश्किल है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जिंदगी में आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ ये सोचा कि अपना तो अगर प्री निकल जाए इस 35 की वैकेंसी में तो अपन सोच लेंगे अपन ने मेहनत पूरी कर ली। एग्जाम में दिया पेपर में जब वापस आया तो नंबर आ रहे थे 73 कह रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि नहीं यार 35 की वैकेंसी में 80 करीब आएंगे, छोड़ दे मेंस की तैयारी भी नहीं होगी, रिजल्ट थोड़ा लेट था। मैंने कहा वैसे भी इस बार पढ़ा हुआ अगले साल काम आ जाएगा। मेंस क्लियर हुआ, मेंस के बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू मेरा तो पहला क्वेश्चन था कि आपकी 2017 में लॉ है, 2017 में आप एग्जाम वैकेंसी आई उसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा आपने क्या पढ़ लिया? मैंने कहा सर मैंने लॉ के LLB इसलिए करते हैं कि उनके पास में कुछ ऑप्शन होता है, मैंने LLB इसलिए कि मुझे RDS बनना था। ये आपका टारगेट होता है स्टार्टिंग से, जरूरी नहीं है कि आप RDS बने, आप को सबसे ज्यादा गाइड आप खुद ही कर सकते हैं। लॉ के संबंध में जानकारी देनी है तो मैंने डी साहब को आंसर लिख के भेज रहे हैं उस लॉ के सर से, बोले नहीं आप भाई थोड़ा सा यहाँ के ग्रामीण ने जो दो समस्या रखी है हमारे सामने, पहली समस्या तो उनके मौत जो है, आप सारी इसके लिए हेल्प करेंगे आपकी, हमारी एक निश्चित सीमा है, जुडिशल ऑफिसर होता है उसकी एक सीमा होती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, मैं इसके संबंध में बात भी करूँगा। और रही दूसरी समस्या पानी की, तो पानी के लिए मैं अपना पर्सनल अनुभव बताना चाहूँगा कि मैं सोनी सिटी डिस्ट्रिक्ट पाली से हूँ जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मैंने अपने खुद के जो मेरा खेत काम कह सकते हैं वहाँ पर मैंने अपना कृत्रिम बांध बनवा रखा है खुद ने, जहाँ पानी इकट्ठा होता बारिश का वहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा बनवा के छोटा बांध मानना है उसे, ताकि जो ज़मीन के अंदर पानी है वो बारिश के पानी को आप इकट्ठा करेंगे तो रिचार्ज होगा पानी, वो अगर आप करें तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी जो सर मैंने को टॉपिक किया था कि बार और बेंच का और दूसरा लॉ स्टूडेंट्स के कुछ बताने के लिए जो कॉलेज के अंदर लीगल एड क्लिनिक बना हुआ है, लीगल एड क्लिनिक द्वारा संचालित है और रकमपुरा जो गांव है, रकमपुरा गांव को हाईकोर्ट ने हमें गोद दे रखा है कि यहां पर जो भी कोई लीगल इश्यूज हैं तो उसका निःशुल्क निवारण हमारे लीगल एड क्लिनिक में किया जाता है। तो अगर इस नगर में इस एरिया में जितने भी निवास कर रहे हैं लोग उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई लीगल समस्या है कि मान लीजिए थाने से संबंधित है या कोर्ट से संबंधित है या कोई गरीब व्यक्ति है जो कोई लीगल खर्च नहीं उठा पा रहा है तो उसको 100% बिल्कुल निःशुल्क हम यहाँ पे हमारे लीगल एड क्लिनिक से ये सारी सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं। अब जैसे लीगल एड कैंप है तो ये सोशल सर्विस है, हम चाहते हैं कि इस तरीके की सोशल सर्विस, ये सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ADR DJ साहब रिधिमा मैडम, ADR वाले सेक्रेटरी रिधिमा मैडम, वो हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम देते हैं और हमेशा उनके साथ हम बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को हिस्सा लेते हैं। और कॉलेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल साहब और सारे स्टूडेंट और हमारा जो स्टाफ है उससे भी बढ़ चढ़ के इनके कार्यक्रम को कराता है। ये आज का प्रोग्राम विधिक चेतना शिविर जिला विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा आवंटित गांव रकमपुरा जो सिंगानिया लॉ कॉलेज को आवंटित किया गया है उसका व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु यहां आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शहर के प्रमुख वकील, विधि के विद्यार्थी और गांव के प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित किया गया है और बच्चों द्वारा पूरे गांव का सर्वे करा के क्या समस्या गांव की है जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने 3-4 प्रमुख बातें बताई है। एक तो देवस्थान विभाग को UIT ने 85 लाख रुपया चार भुजा मंदिर की डोड़ी के नाम का दे दिया है और देवस्थान द्वारा इसका डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि ये पैसा या तो ग्राम पंचायत को या ट्रस्ट बना करके मंदिर ट्रस्ट को पूरा काम विधिवत विकसित किया जाए। इसके अलावा इतने मकान यहाँ हैं, लगभग 2-2.5 हज़ार मकान हैं, पर अब तक पाइपलाइन और पानी का कनेक्शन
किसी को यहाँ पर हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि सिंघानिया लॉ कॉलेज ने कि सभी विद्यार्थियों को इस काम में लगाया है और शहर के अच्छे जाने माने वकील इसमें उपस्थित हैं जो व्यावहारिक रूप से इस समस्या को समझेंगे और अगर रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चला तो संबंधित दावा वकील साहिबान कल्पित जैन, हरीश पालीवाल और अन्य जो हैं वो इसको दावा बनाकर लोक अदालत द्वारा इसका निस्तारण करेंगे। ये आज का कार्यक्रम है। महेश व्यास, निवासी रकमपुरा, नाकोड़ा नगर। आज सिंघानिया यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में मेरा आश्रम पर एक कार्यक्रम रखा है जिसमें गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर आपने ये कार्यक्रम बनाया। तो गांव की जो मुख्य समस्या है, हमारे यहाँ देवस्थान विभाग की ज़मीन का जो पैसा था, UIT ने उस ज़मीन को एक्वायर करके पैसा देवस्थान विभाग को दे दिया और देवस्थान विभाग ने पहले तो आश्वासन दिया था कि भाई पैसा गांव को दिया जाएगा, गांव की ट्रस्ट को, चार भुजानाथ के, तो अभी तक वो पैसा दिया नहीं। और उस विषय पर हमने कई बार विभाग को भी सूचित किया है, कलेक्टर महोदय से भी बात की पैसा देने के लिए, तो भी नहीं दिया। दूसरी जो बड़ी बात है कि भाई यहाँ नाकोड़ा नगर की 4-5 कॉलोनियाँ बसी हुई है जिसमें लगभग 2500 प्लस मकान बने हुए हैं और पानी की जो मूलभूत समस्या है कोई निराकरण नहीं हुआ है। कई बार धरने दिए हमने और आश्वासन ही मिलता गया, आश्वासन के बगैर कुछ नहीं हुआ है। जो सरकारें आती है आश्वासन देती है, अभी भी हमने इसके लिए उग्र आंदोलन भी किया, फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं मिला है। आश्वासन जरूर दिया है कलेक्टर महोदय ने कि भाई आपको हम पानी देंगे, पर देंगे कब तक ये कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं की या सूचना नहीं दी है हमारे को। तो हम अभी सिंघानिया यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में एक प्लान बना रहे हैं कि भाई आपका भी सहयोग मिले और लोक अदालत में जाना पड़े तो लोक अदालत तक जाएं और मुकदमा करके जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो हमारे हक के जो पैसे हैं देवस्थान विभाग ने ले रखे हैं वो हमें दिलाए जाएं। इस विषय पर हमें चर्चा हुई इनसे, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हमारे वकील जो भी हैं अधिवक्ता वो साथ में रहकर इस कार्य को पूरा कराएंगे। तो हम इनका बहुत बहुत आभार हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।